वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी जबरदस्त किस्म की होने लगी है। तो यार, आज हम देखेंगे 10 पॉपुलर मेड इन इंडिया बाइक मोटरसाइकिल सोल्ड इन फॉरेन कंट्रीज। मतलब आज हम इंडिया की मतलब सबसे पॉपुलर जो बाइक्स हैं, हाँ भाई, हाँ। वो फॉरेन कंट्रीज में जो बिकती हैं वो देखेंगे हम, कि वो मतलब फॉरेन कंट्रीज में बिकती हैं। इसका मुझे खैर आइडिया नहीं था कि फॉरेन कंट्रीज में भी मतलब इंडिया इस लेवल की बाइक्स बेच रहा है। तो बस अब तो, आज हम देख लेंगे। हाँ। ऑटो फिक्शन का वीडियो ओरिजिनल लिंक आपको उनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना। तो देखते हैं कौन सी बाइक जो है वो फॉरेन कंट्रीज में बिकती है। तो काउंट ऑन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हेलो ऑटो फिक्शन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो एंड गेट रेडी टू डाइव इनटू ऑटोमोबाइल नॉलेज ओशियन। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल सबसे परफेक्ट रास्ता है हर जगह पूरा करने के लिए, चाहे आपको सिटी के ट्रैफिक में कम्यूट करना हो, या फिर आपको लॉन्ग टूर्स हो, या फिर संडे मॉर्निंग राइड्स। मोटरसाइकिल्स आर लव और फोर व्हील मूव द बॉडी बट टू व्हील्स मूव द सोल। और ये बात सच है। और मोटरसाइकिल अपने देश की हो यानी मेड इन इंडिया हो, तो फिर तो और अलग ही फील आती है। और क्या आपको पता है कि इंडिया में जितने भी इंडियन मोटरसाइकिल मेकर हैं, वो बाहर देशों में भी अपनी बाइक एक्सपोर्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं 10 मेड इन इंडिया मोटरसाइकिल की बात करेंगे जो फॉरेन कंट्रीज में भी इस्तेमाल करी जाती हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, बजाज बॉक्सर। बजाज बॉक्सर इंडिया में बहुत पहले ही डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन ये बाइक अभी भी मैन्युफैक्चर होती है और इंटरनेशनल मार्केट में सोल्ड भी करी जाती है। और अब आप पूछेंगे पर किस जगह सोल्ड होती है? तो ये बजाज बॉक्सर 125 एंड बजाज बॉक्सर 150 प्राइमरीली अफ्रीकन मार्केट्स में बेची जाती है। और जैसे इसका नाम है वैसे ही ये दो इंजन के साथ आती है, 125cc और 150cc। और ये बजाज बॉक्सर उन कंट्रीज में काफी पॉपुलर भी है, तभी तो ये आज तक वहाँ सोल्ड की जाती है। नंबर 2, बजाज पल्सर रेंज। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, बजाज थर्ड पोजीशन पर आती है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट करने के मामले में वर्ल्ड के अंदर। और डोमेस्टिक मार्केट में बजाज पल्सर वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, भले ही बजाज की ओल्ड मोटरसाइकिल की सेल थोड़ी कम हुई हो, लेकिन फिर भी ये अभी भी कॉमन है और हाई डिमांड में है ग्लोबल मार्केट के अंदर। बजाज अपनी पल्सर सीरीज को थाईलैंड, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, कोलंबिया और कुछ लैटिन अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। नंबर 3, टीवीएस स्टार सिटी। एक और इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर टीवीएस जो सेकंड पोजीशन पर आता है नंबर ऑफ बाइक एक्सपोर्ट्स में। और अगर सबसे ज्यादा कौन सी बाइक एक्सपोर्ट की गई है उसकी बात करें तो वो है टीवीएस स्टार सिटी। और श्रीलंका वो मेन मार्केट है जहाँ टीवीएस स्टार सिटी अवेलेबल है। और टीवीएस अपनी मोटरसाइकिल कोलंबिया में भी एक्सपोर्ट करता है। नंबर 4, हीरो स्प्लेंडर। कोई शक नहीं है कि इंडियन मार्केट का काउंटर किंग हीरो स्प्लेंडर ही है। और इसमें भी कोई सरप्राइज की बात नहीं कि ये एक्सपोर्ट भी करी जाती है बाहर देशों में। और अगर बात करें कि ये किन किन जगह एक्सपोर्ट करी जाती है, तो उसमें आते हैं नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। हीरो स्प्लेंडर 100cc के अफ्रीका में काफी देर है इंडिया, और वही सेम इंजन के साथ ये बाहर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट की जाती है। नंबर 5, KTM ड्यूक। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बजाज के साथ मिलकर KTM इंडिया के लिए अल्टीमेट KTM मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करती है, वैसे ही इस ऑस्ट्रियन ब्रांड की बजाज मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करने में भी मदद करती है, जिससे वो इसे ओवरसीज सोल्ड कर सकें। और ये KTM की मोटरसाइकिल सिर्फ इंडिया में ही हाई डिमांड में नहीं रहती, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी KTM का काफी अच्छा दबदबा है। नंबर 6, हीरो HF डीलक्स। ये इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर हीरो दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल निर्माता है पूरे प्लेनेट में। अगर बात सबसे ज्यादा बाइक्स प्रोड्यूस करने की हो, तो हीरो ही सबसे ज्यादा बाइक प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में। और ये पॉसिबल ही ना हो अगर ये ब्रांड अपनी बाइक एक्सपोर्ट ना करे, तो हीरो की तरफ से दूसरी बाइक जो एक्सपोर्ट करी जाती है इनकी लाइनअप में, वो है हीरो HF डीलक्स। और जैसे ही कोई हीरो खरीद सकता है, वैसे ही HF डीलक्स को भी बाय कर सकता है वो नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। ऐसी कुछ ही मोटरसाइकिल होती हैं जिन्हें आप एक ऑलराउंडर के तौर पर कंसीडर कर सकते हो, और उसमें से एक बाइक है। ये बाइक आसानी से हाईवे पर ट्रिपल डिजिट पर क्रूज कर सकती है, और उतनी ही आसानी से आप इसे सिटी के अंदर भी चला सकते हो।
और इसका सबूत ये भी है कि आपने देखा होगा बहुत से राइडर्स डोमिनार को लेकर जाते हैं अपनी लॉन्ग जर्नीज और एडवेंचरस टूर्स पर, और इसकी सक्सेस को देखते हुए बजाज ने डोमिनार को बाहर देशों में भी सेल करना शुरू करा। और आपको शायद पता हो कि बजाज डोमिनार के अंदर KTM 390 ड्यूक वाला ही इंजन है, हल्के फुल्के चेंजेस के साथ। नंबर 8, TVS अपाचे। TVS अपाचे एक ऐसी मोस्ट वर्सेटाइल मोटरसाइकिल है जो इस वक्त रोड्स पर चल रही है, और हर रूमर के लोग TVS अपाचे को पसंद करते हैं। और इतना कि TVS ने अभी रिसेंटली अपनी TVS अपाचे 4V को अपडेट करा है बहुत सारे फीचर्स के साथ, जैसे राइडिंग मोड्स, एडजस्टेबल सस्पेंशन और भी काफी कुछ। और ये बताना कि ये मोटरसाइकिल बाहर देश में भी सोल्ड करी जाती है तो उसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं। TVS अपने एशियन, लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन मार्केट्स के पोर्टफोलियो में TVS अपाचे 204 तीन कॉन्टिनेंट्स में देता है। और अगर आप TVS अपाचे सीरीज पर एक स्पेशल डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 9, रॉयल एनफील्ड मीटियोर। रॉयल एनफील्ड, मैं भी बोलूं रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं आ रहा, लाए हैं यूरोपियन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट में मीटियोर 350 के साथ। न्यू 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक को इंडियन मार्केट में भी अच्छा रिस्पांस मिला है जब कंपनी ने कुछ न्यू करने का सोचा तो। और ये मोटरसाइकिल बहुत से न्यू फीचर्स के साथ आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रॉयल एनफील्ड इस मोटरसाइकिल को ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के नंबर 10 रॉयल एनफील्ड 650 ट्विन्स। वैसे पहले आपको रॉयल एनफील्ड की ये दो 650 मोटरसाइकिल्स कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650 दोनों बाइक्स को चलाकर देखना चाहिए उन्हें जज करने से पहले, चाहे वो कॉन्टिनेंटल GT 650 हो या फिर इंटरसेप्टर 650, दोनों ही बाइक्स इक्वली इंडल्जिंग है डिफरेंट वेज में। डबल सिलेंडर है। इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कंपनीज ने इनके इंजन इंग्लैंड के अंदर डेवलप कराए हैं और नेचुरली ये वहां सोल्ड भी करी जाती हैं। और इसकी 650 सीसी की पैरेलल ट्विन स्मूथ और रिफाइंड है, और इसकी आवाज ऐसी है कि जैसे कानों के लिए म्यूजिक है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये मोटरसाइकिल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है रेट्रो प्लस मॉडर्न डीएनए का। तो आज की वीडियो में यही 10 मेड इन इंडिया पॉपुलर बाइक्स जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट और बेची जाती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। गाइस ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आखिर पे किंग आई रॉयल एनफील्ड दो जो के यूरोपियन कंट्रीज मतलब इंग्लैंड इन यूरोपियन बाकी कंट्री और अमेरिका में ज्यादा बिकती है। और लास्ट यार क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबे सफर को जो राइड के लिए जाते हैं मतलब दूर दूर तक घूमने फिरने जाते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात भाई TVS और बजाज की भी काफी बाइक्स थी, रॉयल एनफील्ड, TVS, बजाज और हीरो, इनकी बहुत ज्यादा बाइक, बहुत कमाल की बाइक। और दूसरी बात ये कि मतलब अभी तो काफी सारी ऐसी इसमें बाइक्स दिखाई गई हैं जो इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, बहुत ज्यादा। इसमें एक दो ऐसी बाइक्स दिखाई गई हैं जो अभी इंडिया में नहीं बिकती, तो आपके पास कौन सी बाइक थी ये हमें आपने बताया यार, आप लोगों ने बताना कि आप लोगों में इनके पास इनमें से कोई बाइक है आपके पास तो बताना, या कोई और भी है तो बताना बताना। आखिर पे रॉयल एनफील्ड कितनी प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी थी यार सच में। और यार एक से बढ़कर एक यार इनमें जितनी भी बजाज की डोमिनार 400 मतलब अफ्रीकन कंट्रीज काफी ले रहे हैं वो बॉक्सर अभी इंडिया में खत्म हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजेरिया और अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका में मतलब अल्जीरिया मतलब सॉरी अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, लैटिन अमेरिकन वाली जो कॉन्टिनेंट है मतलब। और पल्सर के बता रहे थे ना कि पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा ये बिकने वाली बाइक है, मतलब ये जो इंडिया भेजता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। और टीवी है वो हीरो मेरे ख्याल में फर्स्ट नंबर पे, हीरो बहुत बड़ी कंपनी है यार और बहुत कमाल के बाइक बनाती है यार। और यार मतलब मजा आया इस वीडियो को देखकर, सीरियसली बोलूं आज पता लगता है कि मतलब इंडियन की बाइक्स कहां जा रही है सच में, मतलब एक बंदे का माइंड खुलता है कि मतलब इंडिया किस लेवल ऑटोमोबाइल सेक्टर में चला गया, पूरी दुनिया में हाई लेवल पे यार बहुत कमाल की बाइक्स, पूरी दुनिया में अपने बाइक्स दे रहा है इंडिया, और मतलब अमेरिका और इंग्लैंड जैसे कंट्रीज भी नहीं छोड़ रहे, उधर भी अपनी इनकी बाइक्स। सोच लो मतलब अब KTM कितनी कमाल इनकी बाइक है, बजाज है, यार मैं कहता हूँ जिस टाइप की बंदे को बाइक चाहिए ना वो इनके पास इंडिया के पास मिलती है, ताकि तो बाहर की बाइक्स को इतना नहीं प्रेफर करते जितनी अपनी इंडियन प्रेफर करते हैं। बिल्कुल यही बात है, इसलिए इंडिया में सबसे ज्यादा जो इंडियन बाइक बिकती है बाकी तो बाहर की बहुत कम ना होने के बराबर है। बिल्कुल। सो गाइस आप बोले, आप बताएं आपके पास कौन सी बाइक है, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।